हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब घर पर बहुत अच्छे से और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ सुमन माहेश्वरी फ्रॉम श्री ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चित्र देखकर पक्षियों के नाम लिखो। आज हम क्या पढ़ेंगे, चित्र देखकर पक्षियों के नाम लिखो। आप यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पक्षियों को देख रहे हैं, तो आपको इन पक्षियों को पहले पहचानना है और पहचान कर उनके सामने उनके नाम लिखने हैं। सो किड्स, टेक आउट योर हिंदी वर्कबुक 2 एंड ओपन पेज नंबर 2929 और सबसे ऊपर दिनांक और कक्षा तारीख लिखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले कौन से पक्षी का चित्र है ये? ये है बतख। कौन सा पक्षी है ये? बतख। तो सबसे पहले आप बनाएंगे ब, ब, त, ख, ब, त, ख, बतख। सबसे पहला पक्षी है बतख। ओके, अब दूसरे नंबर पे कौन सा पक्षी है ये? यस, वेरी गुड, ये है तोता। कौन सा पक्षी है ये? तोता। तो आपको यहां पर लिखना है तोता। त, त पर ओ की मात्रा, तो ता। त पर आ की मात्रा, ता, तोता। अब अगला पक्षी है ये कोयल। कौन सा पक्षी है ये? कोयल। क, क पर ओ की मात्रा, को, य और ल, को, य, ल, कोयल, लाइक दिस। अब अगला पक्षी है हमारा कबूतर। क्या है ये? कबूतर। तो सबसे पहले बनाएंगे क। क में कोई साउंड नहीं आ रहा, इसलिए कोई भी मात्रा नहीं लगेगी। अब हम लिखेंगे बू। तो ब पर बड़े ऊ की मात्रा, बू। क, बू, त, र, कबूतर। कौन सा पक्षी है ये? कबूतर। अब अगला पक्षी है बटेर। क्या बोलते हैं इसको? बटेर। ब, सबसे पहले बनाएंगे ब, टे। ट पर ए की मात्रा, टे, र, बटेर। कौन सा पक्षी है ये? बटेर। अब अगला पक्षी है हमारा बुलबुल। क्या बोलते हैं इसको? बुलबुल। बू, ब, ब पर छोटे ऊ की मात्रा, बू। ल, बू, ल, बू। अगेन फिर से हमें लिखना है बू। ब, ब पर छोटे ऊ की मात्रा, फिर से बू और ल, बुलबुल। कौन सा पक्षी है ये? बुलबुल। अब अगला पक्षी कौन सा है ये? वेल डन, ये है कौवा। क्या बोलते हैं इसको? कौवा। तो सबसे पहले बनाएंगे क। अब क में लगाएंगे हम औ की मात्रा, लाइक दिस, कौ, आ, कौवा। कौन सा पक्षी है ये? कौवा। ओके, अब अगला पक्षी कौन सा है ये? यस, वेरी गुड, मोर। कौन सा पक्षी है ये? मोर। म, म पर ओ की मात्रा, मो, र, मोर। कौन सा पक्षी है ये? मोर। चलिए अब अगला पक्षी देखते हैं। तो किड्स, ओपन पेज नंबर 3030। यहाँ पर भी सबसे ऊपर दिनांक और कक्षा तारीख लिखेंगे।
तो अब हमारा अगला पक्षी कौन सा है? ये मुर्गा। क्या बोलते हैं इसको? मुर्गा। तो सबसे पहले बनाएंगे म। अब म को हमें बनाना है मु, तो छोटे उ की मात्रा। मुर्गा कौन सा पक्षी है? ये मुर्गा कौन सा पक्षी है? ये मुर्गा। अब अगला पक्षी है चमगादड़। कौन सा पक्षी है? ये चमगादड़। तो सबसे पहले लिखेंगे च, च म गा, ग पर आ की मात्रा, गा द और ड, चमगादड़। कौन सा पक्षी है? ये चमगादड़। अब अगला पक्षी है ये सारस। क्या बोलते हैं इसको? सारस। सा सपर आ की मात्रा, सा र स, सारस। कौन सा पक्षी है? ये सारस। लाइक दिस। अब अगला पक्षी है ये, इसको बोलते हैं राजहंस। क्या बोलते हैं इसको? राजहंस। तो सबसे पहले लिखेंगे रा, र पर आ की मात्रा, रा ज हंस। ह, ह पर लगाएंगे अंक की बिंदी और फिर लिखेंगे स, राजहंस। इस पक्षी का नाम है राजहंस। ओके, अब अगला पक्षी कौन सा है? ये वेरी गुड, ये है उल्लू। इसको क्या बोलते हैं? उल्लू। तो सबसे पहले बनाएंगे उल्लू, तो ल कैसा आया? आधा ल बनाएंगे बीच में, लाइक दिस। उल्लू, ल में बड़े उ की मात्रा, उल्लू। कौन सा पक्षी है? ये उल्लू। अब अगला पक्षी है ये गौरैया। क्या बोलते हैं इसको? गौरैया। तो सबसे पहले बनाएंगे ग, अब ग पर लगाएंगे औ की मात्रा, लाइक दिस। गौ रई, र पर ऐ की मात्रा, रई या, य में आ की मात्रा, या, गौरैया। ओके, अब अगला पक्षी है ये चील। क्या है ये? चील। च, च में बड़ी की मात्रा, ची ल, चील। कौन सा पक्षी है? ये चील। और अब सबसे आखिरी पक्षी है पेंगुइन। क्या बोलते हैं इसको? पेंगुइन। तो सबसे पहले बनाएंगे प, प पर ए की मात्रा और साथ में लगाएंगे अंक की बिंदी, पेंग गु। ग, ग पर छोटे उ की मात्रा, गु। ई न, कौन सा पक्षी है? पेंगुइन। चलिए हम देखते हैं हमने कौन कौन से पक्षियों के नाम लिखे हैं। बतख, तोता, कोयल, कबूतर, बटेर, बुलबुल, कौवा, मोर, मुर्गा, चमगादड़, सारस, राजहंस, उल्लू, गौरैया, चील और पेंगुइन। सो किड्स, आपको अपनी हिंदी वर्कबुक 2 के पेज नंबर 2929 और 3030 पर इस अभ्यास कार्य को पूरा करना है, लाइक दिस। और ये जो पक्षी बने हुए हैं, इनमें आपको बहुत सुंदर सुंदर रंग भी बने हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।